लाभार्थियों के लिए न तो सरकारी आवास है, न शौचालय, न पेंशन, तो फिर सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाएं आखिर जा कहां रही हैं? अगर धरातल पर देखा जाए तो या तो सरकार गरीब प्रदेशवासियों की आंखों में धूल झोंक रही है, या उसके जनप्रतिनिधि व हुक्मरान अफसर पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली योजनाओं का बंदर बांट कर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं जनपद उन्नाव के विकास खंड सफीपुर के ग्राम खुशरूपुर में, जहां के पात्र गरीबों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा हम ताल ठोक के कह रहे हैं और सरकार व प्रशासन को आईना भी दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें सच बयां कर रही हैं। खुशरूपुर गांव के एक पात्र लाभार्थियों को, जिनके घर की दीवारें कच्ची हैं, छत के नाम पर फूस का छप्पर है, फिर भी उन्हें आवास नसीब नहीं। वो खुले में आज भी शौच करते हैं, जबकि सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना सभी को शौचालय उपलब्ध कराना है, तो फिर आखिर इन्हें शौचालय क्यों नहीं मिले? ये सरकार और उनके हुक्मरानों तथा गांव के जन प्रतिनिधियों की ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्हें सीधी तरह से भ्रष्टाचारी सिद्ध करता है। या तो सरकार के विकास के दावे झूठे हैं, या फिर सरकारी धन का बंदर बांट हुआ है। आइए दिखाते हैं पात्र गरीब ग्रामीणों ने हमारे कैमरे के सामने अपना दर्द कैसे बयां किया और बताया कि सरकारी योजना दिलाने के नाम पर उनसे अवैध वसूली भी की गई है। उन्नाव से हमारे संवाददाता विजय प्रताप की रिपोर्ट। नाम है आपका? सदा प्रिया जी। आपके पति का नाम? राधे राधे। किस गांव में रहती हो? खुशरूपुर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत का साहब, यही घर हमारा, यही देखो तिरपाल पड़ा है, कुछ नहीं घर में हमारे है। और जो कॉलोनी कहते थे देंगे पैसे, दो तो दे, कॉलोनी मिली आपने। और 4 किलो राशन, मतलब 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ मिलती है। अच्छा, और कुछ नहीं। प्रधान से कहा तो पैसे मांग रहे हैं क्या? हाँ, पैसे कह रहे हैं कि 4-5 हज़ार रुपया दो तो कुछ मतलब दिए। अच्छा। सब पैसा गरीब आदमी कहाँ से हम दें? अब तो 4 बच्चे हैं, नान नान, इतने थोड़ी अब बड़ी बिटेवा है, आप स्कूल गए। आपका नाम क्या है? श्रीपाल। पिता का नाम? श्री शंकर। क्या दिक्कत आ रही है आपको प्रधान से? दिक्कत यह है बस, मतलब घर अच्छा नहीं बना है, प्रधान सुनते नहीं, मतलब करते नहीं। अब थोड़ा दबी सुन रहते हैं हम लोग, गरीब आदमी हैं, जो जैसा समझ में आता है वो ऐसा करते हैं। आपके गांव का क्या नाम है? खुशरूपुर। यहाँ के प्रधान कौन है? राजवीर यादव। नाम है आपका? गायत्री। पति का नाम? मनभेला। किस गांव में रहती हो? खुशरूपुर। यहाँ के प्रधान कौन है? अरे राजू, वही तो करवावे रहन सब। ये क्या करवाया था? काला मिली जाए कॉलोनी, सबका मिल मिल गई, सबके घर बन बन गए और नहीं मिली इनका। क्या कह रहे प्रधान? काला मिली फिर बाकी बाद में कुछ कहे नहीं। क्या नाम है आपका? निर्मला। आपके पति का नाम? भैया। किस गांव में रहती हो? खुशरूपुर। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यार, बारिश बारिश बहुत है, तो लड़का बच्चन को ऊपर बैठे ठिकाना नहीं है भाई, लड़के के द्वारे पर बैठे रहे। आपको आवास नहीं मिला? नहीं, प्रधान ने कहा था बात वो जी नहीं आई। कौन कह रहा है योजना नहीं आई? प्रधान राजू। ये किसका घर है? ये मेरे ससुर कह रहा है। तकलीफ है आपको? भैया यहाँ पर बैठे वाले तकलीफ होता है, मेरे काम में बड़ा ये पर है। आपको पेंशन नहीं मिल रही? कुछ नहीं होता ना ससुर, आठ नौ वर्ष सास बाप तुम्हारे वाले कुछ नहीं रहे। प्रधान से आपने कहा नहीं? कहा गया है, कुछ नहीं। पैसा दे 3,000 खा गया है, पैसा खा गया है, कुछ मंजूर भी दतूरी कर दी ना, दिया कुछ नहीं। किसको पैसा दिए? प्रधान कर राज्य को। कितने रुपया दिए? ऐसा ले 2-3 सौ कोई कर ले लें, कहाँ है, करवा देवे कुछ नहीं करन, पैसा ले कर देते हैं नहीं पेंशन के लिए। हाँ, कल सास के तुम्हारी उम्र तो कल 70 पैसा मिल जाए हैं। ये सभी के समाचार आए, कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24 इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।